अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? अच्छा क्लास चहारम, आज आपका जो है वो थोड़ा सा हम ग्रामर का काम करेंगे। ग्रामर का काम आपका जो है, आपकी बुक है उर्दू कायदो इंशा। उर्दू कायदो इंशा का पेज नंबर है आपके पास 44, 84 पेज नंबर पे आपके पास आ रहा है। आपका मजमून है आज गांव का मजमून। तो गांव के मजमून को पढ़ने से पहले, उसकी रीडिंग करने से पहले हम थोड़े से उसके मेन टॉप पॉइंट्स मैंने लिखे हैं यहाँ पे, हम उसको डिस्कस करेंगे। उसके बाद फिर हम अपने जो आपका मजमून है, ऐसे है गांव, उसको हम जो है वो रीड आउट करेंगे। सबसे पहले जी, गांव का नाम है सोरग। जो हम मजमून पढ़ने लगे हैं उसमें जिस गाँव का जिक्र है उसका नाम है सोरग। गाँव के अफराद जो है वो 2000 अफराद उस गाँव में रहते हैं। सड़क जो है वहां की पुख्ता है, यानी पक्की सड़क है वहां पे। फिर मकान जो है वहां के, उस गांव के कुछ पक्के हैं कुछ कच्चे हैं, मतलब कुछ मट्टी से बने हुए और कुछ ईंटों से बने हुए हैं। फिर उसके बाद दुकानें जो है वहां पे कितनी है जी, उस गांव के अंदर 3 या 4 दुकानें हैं वहां पे। फिर उसके बाद अक्सर लोग वहां के जो है वो अनपढ़ है, यानी वो पढ़े लिखे नहीं है। फिर है पेशा, यानी वो लोग क्या काम करते हैं। ज्यादातर लोग जो है वो काश्तकारी करते हैं, कुछ लोग जो है वहां पे मजदूरी भी करते हैं। फिर है सलाह मशवरे के लिए, वहां पे क्या इस्तेमाल होता है, वहां पे चौपाल इस्तेमाल होती है। चौपाल ऐसी जगह है जहाँ सारे लोग इकट्ठे मिलकर बैठते हैं और वहां पे कोई भी आपका सलाह मशवरा है या कोई भी प्रॉब्लम है तो उसको डिस्कस करके उसका हल निकाला जाता है। फिर हमारे पास है स्कूल, वहां पे उस गाँव में कितने हैं जी, 2 प्राइमरी स्कूल है, मतलब क्लास 5 तक वहां पे 2 प्राइमरी स्कूल है। अब हम अपना जो गांव का मजमून है उसकी हम रीडिंग करते हैं और आपने बड़े ध्यान से इसको सुनना है। मेरे गांव का नाम सोरग है। ये जिला अटक की तहसील पिंडी घेप में वाकया है। सरसब्ज मैदानों में घिरा हुआ यह इलाका 2000 अफराद पर मुश्तमिल है। एक पुख्ता सड़क 12 किलोमीटर के फासले पर मौजूद शहर से इसे मिलाती है। लोग वैगनों और बसों के जरिए सफर करते हैं। गांव में मकान कच्चे और कुछ पक्के हैं। यहाँ के लोग मोहब्बत और इत्तेफाक से रहते हैं, एक दूसरे की खुशी और गम में शरीक होते हैं। गांव में काबिले जिक्र बाजार कोई नहीं, अलबत्ता 3-4 दुकानें हैं। यहाँ से रोजमर्रा जरूरियात की तमाम अशिया आसानी दस्तियाब हो जाती हैं। ज्यादा बड़ी चीजों की खरीदारी के लिए लोग शहर का रुख करते हैं। गाँव में अक्सर लोग अनपढ़ हैं, उनका पेशा काश्तकारी है। कुछ लोग काम और मजदूरी के सिलसिले में शहर भी जाते हैं। गांव के लोग रोजमर्रा मसाइल के हल में आपस में सलाह मशवरे के लिए चौपाल में जमा हो जाते हैं। गांव में बच्चे और बच्चियों के लिए 2 प्राइमरी स्कूल हैं। गांव में एक पुख्ता मस्जिद भी है जिसमें 5 वक्त की अजान, बाद जमात नमाज और जुमतुल मुबारक का इंतजाम किया जाता है। गाँव के बच्चे यहाँ कुरान पाक भी पढ़ते हैं। उम्मीद है कि आपको आपका ये गांव का मजमून अच्छा लगा होगा। अगर आपका भी कोई गांव है तो आपने भी अपने पेरेंट्स को कहना है कि हमें वो गांव दिखाएं, और वहां जाके आपने उन सारी चीजों को देखना है कि आपके गांव में कौन कौन सी चीजें जो है वो आपके इस गांव से मजमून से मिलती जुलती हैं। ठीक है, फिर जब आपके स्कूल ओपन होंगे तो आपने अपने टीचर्स को वो बतानी है। आपको इस लेक्चर से कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आपने स्कूल से डिस्कस करना है। थैंक यू सो मच।